तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक स्फेयर लो, एक स्फेयर का आइसोलेटेड स्फेयर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्फेयर्स कंसेंट्रिक भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा शेल्स या स्फेयर्स आइसोलेटेड नहीं हो सकते, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल स्फेयर। तो एक सिंगल स्फेयर एक कंडक्टर है, इसकी आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। आपने इसको क्यू चार्ज दिया, इसका रेडियस आर था, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता था क्यू बाई वी। सरफेस ऑफ कंडक्टर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसको उठा के वी की जगह पुट कर दें, क्यू से क्यू कैंसिल कर दें, क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फॉर्मूला लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर का फॉर्मूला सी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला लिखें प्लीज, सी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो कितनी अजीब बात है, तुम्हें देखो वैसे कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारे घर में ज़्यादा पानी स्टोर करना है बड़ा टैंक ले लो, छोटा करना है छोटा टैंक ले लो, सेम है। तुम्हें बड़ा कैपेसिटेंस बनाना है तो बड़ा आर ले लो, स्फीयर बड़ा ले लो तो बड़ा चार्ज है, तुम्हें छोटा चार्ज स्टोर करना है तो आर छोटा ले लो। अब जाओ ये नॉलेज लेके दुकान पे और पूछो एक फेरेड कैपेसिटर देना भैया, तो देखो वो क्या कहेगा, वो कहेगा बेटे स्फेरिकल चाहिए आपको, कि हाँ स्फेरिकल चाहिए, कहता स्टोर से निकाल के लाता हूँ, देख फॉर्मूला लगा रहा है सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और तुमने मांगा सी कितना, 1 फेरेड, तो तुमने 1 पुट कर दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9। तो उसने देखा कि तो जो स्फेयर मांग रहे हो उसका रेडियस कितना है, 9 × 10 की पावर 6 किलोमीटर्स, मतलब एक फेरेड का, अगर एक फेरेड चार्ज स्टोर करवाना है तो आपको बस इतना स्फेयर चाहिए जिसके रेडियस का, और ये स्फेयर होता है 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर तुम्हें मिल जाए तो मेरे को भी एक दे देना, एक फेरेड का कैपेसिटर स्फेयर में कैसे बनता है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? तो आइसोलेटेड स्फेयर में एक फेरेड छोड़ो, सारे न्यूमेरिकल पीको फेरेड और माइक्रो फेरेड में होने हैं, 10 की पावर -12 में चलेंगे सारी कैलकुलेशंस। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि फेरेड में चल नहीं सकती।